दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडिया नंबर वन इमर्जिंग स्कूल जहां है एकेडमिक्स स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू नाइन्थ आज राहुल गांधी जी का जन्मदिन है क्योंकि हमारे भारत की सेना के जवान शहीद हुए हैं चीन के अंदर इसलिए हम लोग इसको केक वगैरह नहीं काट रहे हैं हमारे को ऊपर से आदेश है कि राहुल गांधी जी के जन्मदिन पे हम लोग गरीबों के साथ में उनको रोज़गार दे उनको राशन देंगे और उस राशन के अंदर हम लोग आटा चावल दालें और तेल वगैरह इसका हम लोगों ने एक वो किया और हमारे जो प्रदेश स्तर के ऊपर है वो इस तरीके से एक न्याय योजना है इसके तहत हम लोग गरीबों को राशन वितरित कर रहे हैं साथ ही मेरे पास में कुछ दिनों से भाजपा सोशल मीडिया और आईटी के कुछ लोग थे जो मेरे को बताया उन लोगों ने कि भाई मोदी जी से वो काफ़ी प्रभावित थे लेकिन उसके बाद में उसके बावजूद ना तो रोज़गार उपलब्ध करा सकी मोदी सरकार और सबसे बड़ी बात है जो जुमलेबाजियाँ हुई उस सब चीज़ों से इन लोगों ने जो है वो भाजपा से इन लोगों का दिल हट गया है और युवा कांग्रेस ने जिस तरीके से लॉकडाउन के टाइम के अंदर युवा कांग्रेस ने जिस तरीके से लोगों को राशन पहुंचाया जो ज़रूरतमंद है उनकी ज़रूरत की चीज़ें पहुंचाई दवाइयां वितरित करी उस चीज़ से ये लोग काफ़ी प्रभावित हुए ये लोगों ने मेरे से कांटेक्ट किया और आज इन लोगों ने यूथ कांग्रेस ज्वाइन कर लिया आज करीबन 15 लोग हैं इन लोगों ने यूथ कांग्रेस ज्वाइन करी है और साथ ही मेरा लक्ष्य है कि अजमेर के अंदर जैसे हमारे सुनील लारा जी हैं लोकेश शर्मा जी हैं जो हमारे पूर्व यूथ कांग्रेस के अच्छे लोग रहे हैं इनके संरक्षण के अंदर और हमारी जो पूरी नई एक टीम बन करके आई है ये पूरी टीम मिल करके हमारा इस 2 महीने के अंदर कम से कम 5,000 का लक्ष्य हम लोग अजमेर के अंदर रख रहे हैं 5,000 नए युवाओं को हम लोग युवा कांग्रेस ज्वाइन कराएंगे मैं अजमेर यूथ कांग्रेस अध्यक्ष यासिर चिश्ती